five brands and your students. I am the chairman of the People Welfare Foundation and the director of AK Study Center. Dear friends, आज मैं ये वीडियो कुछ स्कूल स्टूडेंट्स के बारे में बोलना चाहूँगा, जैसे समानांतर 9 और 10 वर्ग के स्टूडेंट्स का के लिए बोलना चाहूँगा। उन सारे स्कूल स्टूडेंट्स की एक समस्या इंग्लिश भाषा को लेकर भी होती है, तो मैं थोड़ा सा आज बोलना चाहूँगा। मैं आज तो ज़्यादा नहीं बोल पाऊँगा। डियर स्टूडेंट्स, आपको इंग्लिश भाषा को लेकर ज़्यादा ऑब्सेसिव होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर और सारे चीज़ों के ऊपर क्रमशः स्टेप बाय स्टेप बहुत सारा डिटेल्स में मैं वीडियो देते रहूँगा। आप ये वीडियो जो है फॉलो करते रहिएगा। ये आउट ऑफ द बॉक्स वीडियोस है, राइट? ये किसी का कॉपी किया हुआ नहीं। हम कोशिश करते हैं कि कुछ यूनिक चीज़ दें और कुछ जो है उनका सार और उनका जो है सार और उनका जो समरी हम करके जो है उनका कंक्लूजन आपको दें, कॉन्सेप्ट दें। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले 9 और 10 के स्टूडेंट्स को बोलना चाहूँगा कि वे जो है इंग्लिश के प्रति बहुत ही डर है, बहुत ही नर्वस है, बहुत ही हवा है। वे थोड़ा सा डर है, वो समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर इंग्लिश के साथ जस्टिफाई कैसे करें, इंग्लिश को कैसे सीखें। इंग्लिश में बहुत सारे समस्याएं हैं, बहुत सारे विद्यार्थी लिख नहीं पा रहे हैं, लिखने नहीं जानते, हैंडराइटिंग लिख नहीं पा रहे हैं, जो इंग्लिश पढ़ के जो समझ नहीं पा रहे हैं, पढ़ भी नहीं पा रहे हैं, पढ़ के लिख नहीं पा रहे हैं, या अपना सोच के नहीं कर पा रहे हैं, ट्रांसलेशन नहीं कर पा रहे हैं, क्वेश्चन आंसर भी स्कूल में नहीं कर पा रहे हैं। बहुत सारे विद्यार्थी जो रट के जाते हैं, कुछ याद रहता तो लिख देते हैं और कुछ दिमाग से गोल हो गया, सिग्नल नहीं मिल पाता तो गोल हो जाता, नहीं लिख पाते हैं, समानता बहुत डर रहता है। तो इसमें इंग्लिश लैंग्वेज के पढ़ने के इंग्लिश लैंग्वेज के प्रति डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए, सबसे पहला बात है कि बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी, आज हमारे स्कूल सिस्टम में पढ़ाई तो हो रही है लेकिन काउंसलिंग नहीं हो रही है, चैनलाइजेशन नहीं हो रहा। विद्यार्थियों का एनर्जी बहुत सारा है, विद्यार्थी के अंदर बहुत सारा पोटेंशियल है, संभावना है, शक्ति है, बुद्धि विवेक सब चीज़ है, लेकिन उनका चैनलाइजेशन नहीं हो रहा है, उनका काउंसलिंग नहीं हो रहा, उनका मार्गदर्शन नहीं हो रहा। मार्गदर्शन पढ़ाई में ही नहीं बल्कि हर एक टॉपिक में, भाषा में भी, इंग्लिश में भी और हिंदी संस्कृत में भी। मैं सभी भाषाओं का समर्थन करता हूँ, ऐसा बात नहीं है। मैं इंग्लिश के बारे में बोलता हूँ तो हिंदी के बारे में नहीं बोलता, संस्कृत के बारे में नहीं बोलता हूँ। बहुत सारे व्यक्ति कहते हैं कि संस्कृत हमारा भारत का जो पहला भाषा है, अच्छी बात है, संस्कृत के प्रति सम्मान है, लेकिन हमारा भारत का पहला भाषा जो है संस्कृत से भी पुरानी भाषा है, तमिल है, जो बहुत लोगों को पता नहीं है। तो वैसे जो लोगों को जो नहीं पता है, आप जान जाइए, संस्कृत से भी पुरानी भाषा हमारे भारत का तमिल है। और इसके बारे में कई बार हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी बोले हैं इसके बारे में, तमिल है और दुनिया के सबसे प्राचीन भाषा हिब्रू है, आप इसे जानना चाहिए। बहरहाल, मैं भाषा के बारे में बोलना चाहूँगा तो सबसे पहले 9 और 10 के जो विद्यार्थी इंग्लिश कमजोर है, तो आप सबसे पहले घबराइए नहीं, आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना चाहिए, बिल्कुल आराम आराम से पहले जो आप सबसे पहले लिखना ठीक कीजिए, कैपिटल और स्मॉल ठीक कीजिए, उसके लिए इंग्लिश कॉपी आती है। और इसको सुधार करने के लिए आपका बहुत सारे इंग्लिश में, जैसे कि आपका, मैं किसी का देखिए ब्रांड एम्बेसडर नहीं हूँ, मैं किसी किताब पुस्तक की तारीफ नहीं कर रहा, हो सकता है दूसरे बुक वाले को जलन हो जाए कि दूसरे पुस्तक वालों का तारीफ कर दिया है। तो मैं बहुत सारे अच्छी पुस्तक भी हो सकती है मार्केट में, लेकिन समानता देखा जाए बहुत सारे कुछ पुस्तक है, जैसे गुड इंग्लिश भी है, उसमें से कैपिटल और स्मॉल लेटर लिखने के बारे में बताया गया है। वे जो हाशिए हैं, वे जो लकीरें हैं, इंग्लिश जो राइटिंग की कॉपी है, लकीरें हैं उसमें किस तरह जो है ABCDEFGHIJKLMN ये सारा जो है लेटर्स लिखना चाहिए, कौन ऊपर कौन बीच में कौन नीचे लिखना चाहिए, आप उसको देखें, फोटो में देखिए और उसको जो बार बार उसको देख देख के पहले लिखिए और बिन देख के जो आप बहुत सारा लिखिए, तब तक लिखिए जब तक आपका जो है एक भी गलती ना हो। वहाँ जब बैठ जाता है तो आप उसको छोड़ दीजिए और सिंपल रूलर जो लाइन बुक में जो है आप लिखना शुरू कीजिए। आप उस स्तर को प्राप्त कर लेते हैं तो बिल्कुल ब्लैंक पेपर में, सादा पेपर में लिखने का अभ्यास कीजिए, बिल्कुल सही लिखिए और सही रेशियो फॉर्मेट में लिखिए और जो है धीरे और साफ सुथरा और अच्छे हैंडराइटिंग में लिखिए। आप ये हो जाता है पहला चरण जो है, उसके बाद दूसरा चरण बिल्कुल ही आराम आराम से जो आप पढ़िए। बहुत सारे मार्केट में बुक हैं लेकिन मैं चाहता हूं कुछ मार्गदर्शन जो है आपको दे दिया जाए, जो हमारे मार्केट में समानते हमारे देवघर जिला, झारखंड, पटना सभी जगह अवेलेबल हैं। बहुत सारे पुस्तक हैं, जैसे जूनियर पुस्तक मिल जाएंगे आपको, आर के सिन्हा का जो है ग्रामर और आर के सिन्हा का ट्रांसलेशन बुक जो है वो बुक जो है आप अच्छी बुक है, आप ले सकते हैं। इसके अलावा के पी ठाकुर का भी जो ग्रामर है उसको ले सकते हैं। तो 9-10 का विद्यार्थी बस इतना ही पढ़िए, जो है ट्रांसलेशन बुक आती है एक
आर के सिन्हा का जो है मीडियम हस्तर का जो आता है वो ट्रांसलेशन बुक, वो बुक आप पढ़ सकते हैं, और उसके बाद जो है के पी ठाकुर का ग्रामर आप पढ़ लीजिए। दोनों जो है आराम आराम से पढ़िए, एक एक चैप्टर पढ़िए। आप अगर चाहेंगे तो और भी दो तीन पतली किताब आती है, आर के सिन्हा का भी आता है तो आप पढ़ सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है। बिल्कुल दो पुस्तक एनफ है, एक आर के सिन्हा का आप ट्रांसलेशन बुक पढ़ लीजिए और एक के पी ठाकुर का जो है ग्रामर एंड ट्रांसलेशन बुक पढ़ लीजिए। ये बुक आपका बहुत काफ़ी है, ये आप जो है मेट्रिकुलेशन स्तर के लिए, ये मेट्रिकुलेशन स्तर ही नहीं बल्कि इंटरमीडिएट मीडिएट स्तर तक में भी आपके लिए बहुत ही काफ़ी होगा। बस इसको पढ़िए, आप इसको पढ़िए, आप ग्रामर ठीक कीजिए, और साथ ही साथ जो है पुस्तक भी आपको जो है पढ़ना चाहिए हमेशा। अगर आपका रीडिंग ठीक क्वालिटी ठीक नहीं है, राइटिंग क्वालिटी ठीक नहीं है, तो सबसे पहले जो पुस्तक जो है आप रोज जो है आप दो पन्ना चार पन्ना पांच पन्ना नहीं तो कम से कम एक पन्ना जो होता है वन पेज आप उसको जो है बोल बोल के जो है आप उसको पढ़ सकते हैं, डिक्टेट करके पढ़ सकते हैं। देखिए बोल के पढ़ने से क्या होता है, जहां आपका जो मानसिक एकाग्रता होती है वहीं पर आपका जो होता है वोकल एक्सरसाइज होता है कंठ, राइट। ये आपको म्यूजिक में भी आप बेनिफिट करेगा और आपको पब्लिक स्पीकिंग में भी बेनिफिट करेगा और आपका एक्सप्रेशन को भी डेवलप करेगा। आपको मैं बता देना चाहूँगा कि हमारा जो है वैदिक काल के समय में भी जो होता है जो विद्या वेदों का अध्ययन जो अध्यापन किया जाता था, कंठस्थ करा दिया जाता था संस्कृत श्लोकों को, तो उसका उच्चारण बोल बोल के जो है कराया जाता था, इसका एक रहस्य है। और आज इसका एग्जाम्पल हम मदरसा में भी देखा जाता है कि सारे जो है बच्चों को जो है बोल बोल के जो है कुरान की आयतों को जो है उसको रटाया जाता, कंठस्थ कराया जाता, सिखाया जाता है, तो इसका बहुत सारा महत्व है। तो आप जो है प्रारंभिक स्तर पर जब आपका कॉन्सेंट्रेशन अगर उतना नहीं बढ़ पा रहा है, मेमोरी पावर उतना तीक्ष नहीं है, काल्पनिक शक्ति उतना तीव्र नहीं है, तो बोल बोल के जो है आप इंग्लिश को भी जो है कम से कम एक पन्ना रोज पढ़ने का डाले पढ़ना ही चाहिए। अगर चाहते हैं तो दो पन्ना चार पन्ना पाँच पन्ना दस पन्ना बीस पन्ना आप अपने सुविधा से पढ़ सकते हैं। लिखना भी अनिवार्य है, रोज आप एक एक पन्ना लिखिए। अगर आपका स्तर स्टैंडर्ड कमजोर है तो आप उसको देख के लिखिए और कुछ शब्द को भी लिखिए, जो नया शब्द है उसको बार बार लिखते जाइए, 50 बार एक एक शब्द को 50 बार 100 बार 200 बार लिखिए, नहीं तो कम से कम 50 बार लिखिए। अगर को अगर अजनबी शब्द आता है, नया शब्द आता है तो बिल्कुल लिखिए और बोलिए, बोल के लिखिए, हाथ से लिखिए। और उसके बाद ये काम होने के बाद जितना आप सोच सकते हैं, पढ़ा हुआ पाठ हो चाहे लिखा हुआ, उसको आप सोचिए, चिंतन मनन कीजिए, बार बार कीजिए और इसको जो है दूसरे विद्यार्थियों के साथ शेयर कीजिए, लोगों के साथ शेयर कीजिए। और सबसे पहला आप विद्यार्थियों का दृष्टिकोण होना चाहिए, केवल किताबी कीड़ा नहीं होना चाहिए, किताब ही पढ़ेंगे ऐसी दृष्टिकोण नहीं होना चाहिए। कहीं भी आपको इंग्लिश से संबंधित चीज़ मिले, कहीं साबुन का खोलिया कुछ मिल जाता है, कुछ चॉकलेट खरीदने जाते हैं, कुछ बुक खरीदने जाते हैं, कुछ क्लॉथ कपड़ा खरीदने जाते हैं, उस प्लास्टिक में कुछ लिखा, कहीं बोर्ड पर कुछ लिखा है, कुछ टीवी में, कुछ मोबाइल में, कहीं पर इंग्लिश वर्ड है, फेसबुक व्हाट्सअप में है, उसको भी जो देखने पढ़ने का आदत होना चाहिए, कुछ शब्द को ग्रहण करें और उसको आप सीखें, इस तरह से आपका इंग्लिश धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। तो ग्रामर से आप सामान्य ग्रामर को ठीक कर सकते हैं और इधर जो है प्रोज पोएम को जो है गद और पद को जो है पढ़ के थोड़ा ठीक कर सकते हैं, इससे आप ठीक करेंगे। उसके बाद मार्गदर्शन, आप एक अच्छे टीचर जो आपका या फिर आपसे सीनियर हो, आपका सीनियर स्टूडेंट हो, उससे भी या कोई गार्जियन अभिभावक या कोई पड़ोसी जो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं उनसे भी मार्गदर्शन ले सकते हैं। बहुत सारे विद्यार्थी स्कूल के अलावा भी अगर आपको जरूरत है, स्कूल में आपका काम नहीं हो पा रहा है, तो ऐसे लोगों से आप संपर्क ले सकते हैं, आप ट्यूशन पढ़ सकते हैं, इंस्टीट्यूट में जा सकते हैं, कोचिंग में जा सकते हैं। कोचिंग पढ़ना, गाइड पढ़ना ये कोई बुरी बात नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं हमको कोचिंग नहीं करना चाहिए, कोचिंग नहीं पढ़ना चाहिए, गाइड नहीं पढ़ना चाहिए, ये बिल्कुल ही ये एक वन साइड धारणा, ये सही धारणा नहीं है। किसी की अपनी विचार हो सकती है, मैं उसके विचार का समर्थन करता हूं, लेकिन समथिंग इज बेटर देन नथिंग। अगर आपके पास नहीं है तो उससे बेहतर है कि आपके पास कुछ हो जाए, कुछ ज्ञान हो जाए, और आपके पास कुछ है तो उससे ज्यादा हो जाए तो वो ज्यादा बेहतर होता है, चाहे वह शिक्षा हो या धन। तो आपके पास अगर जानकारी है उससे ज्यादा जानकारी हो जाता है गाइड के माध्यम से भी, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। आपको इंग्लिश की बुक की गाइड भी ले लेने चाहिए और दूसरे विषय में भी आपको दिक्कत होती है तो गाइड ले लेने चाहिए। सबसे बड़ी बात है, बहुत सारे विद्यार्थी सोचते हैं कि गाइड ले लेना पैसा बर्बाद है, नहीं बिल्कुल नहीं बात है। सोचिए कि एक व्यक्ति, एक टीचर जो वर्षों का मेहनत करते हैं, जीवन भर का मेहनत करते हैं, जो अपने पढ़ाई में लाखों लाख रुपया लगा देते हैं शिक्षा में और उस असर प्राप्त करने में, अगर वो कोई गाइड मार्केट में निकाल देते हैं, कोई टीचर आपको पढ़ा रहे हैं, अगर उस किताब का दाम मार्केट में 50, 100, 200, 300, 400 रुपया अगर उसको आप लगता है और उसमें से अगर उससे 50-100 रुपया बच जाता है तो उसके साथ भी न्याय होना चाहिए। तो इसमें कहीं भी बुराई नहीं है, 50-100 रुपया उसको दे देते हैं तो ऐसे व्यक्ति को अगर आप समर्थन करते हैं तो और भी अच्छे बुक मार्केट में आएंगे। बहुत सारे शिक्षक को अगर आप 50-200 रुपया दे देते हैं तो ये आप कुछ भी नहीं है,
ये आपकी भी जिम्मेदारी है, एक शिक्षक की जिम्मेदारी जिस तरह होता है कि जो है विद्यार्थियों का कल्याण के लिए हमेशा 24 घंटे सोचे, पुत्र और पुत्री की भांति उसके हित के बारे में सोचे, उसी प्रकार विद्यार्थियों की भी जिम्मेदारी होती है जो है शिक्षकों को जो है अपना जो है एक आदर्श बनाए, सम्मान दे और पिता तुल्य उसको भी रेस्पेक्ट दे और उनके भी जरूरतों का उनके भी ख्याल रखे। बहुत सारे गवर्नमेंट टीचर हैं, उनके भी मैं आग्रह करना चाहूँगा, सरकार को भी आग्रह करना चाहूँगा कि उनका भी ध्यान रखें और प्राइवेट जो टीचर्स हैं उनका भी ध्यान जो है समाज के लोग सम्मान दें और टीचर और जो है स्टूडेंट्स रखें। बहरहाल मैं अभी इंग्लिश के बारे में थोड़ी सी बातें कर रहा था तो मैं इसमें नहीं बोलूँगा और नेक्स्ट वीडियो में जो है मैं कोशिश करूँगा फिर आई वुड लाइक टू शेयर समथिंग मोर एंड टू हैव डिस्क्राइब इन डिटेल्स अबाउट ग्रामर एंड प्रोज एंड पोएम्स। तो जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें से टॉपिक वाइज बहुत सारा जो है कॉन्सेप्ट्स में जो है इंग्लिश में और प्रोज पोएम्स जो है गद्य पद्य में जो है धीरे धीरे आपको मिलेंगे। 9, 10, 11, 12 ग्रेजुएशन और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन भी हो, इवन जेपीएससी यूपीएससी एएसआई किसी भी कॉम्पिटिटिव इंग्लिश में हो तो स्कूल और कॉलेज से संबंधित सारा मार्गदर्शन आपको मिलेगा। तो थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एके स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और इसके चैनल को जो है चैनल के लिंक को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें ताकि जो है इस चैनल का जो है सपोर्ट हो और हमारा जो है पीपल वेलफेयर फाउंडेशन जो है इसका भी सपोर्ट हो, क्योंकि हमारा उद्देश्य इस एनजीओ का जो है राष्ट्र स्तर पर लेके जाना है। फिलहाल हम लोग जो है सराट विधानसभा में जो है 20 किलोमीटर का रेडियस में काम कर रहे हैं और हमारा जो लिंक पहले हमारा काम करने का उद्देश्य है जो हमारे कुछ जिला हैं जामताड़ा देवघर दुमका मधुपुर आसनसोल ये सब जिला में जो है हम लोग जो है काम कर रहे हैं और धीरे धीरे इसको हम लोग जो है राज्य के स्तर पर ले जाएंगे और राज्य के स्तर पर ले जाने के बाद जो है हम इसे जो है राष्ट्र स्तर पर ले जाएंगे और हम इसका जो है उद्देश्य एक ही है हमारा जो है राष्ट्र भारत का निर्माण करने में सहयोग करना और आप भी जुड़े सपोर्ट करें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।